वेलकम क्लास 5th मैथमेटिक्स लेक्चर चैप्टर 5 फ्रैक्शन लेक्चर 11। ठीक है, ये लेक्चर 11 है आपका। ये आपको स्क्रीन पे सारे, अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। हमने जे पार्ट तक कर दिया था, अब हमने के पार्ट करना है, आई करना है, एल करना है, एम एन ओ पी, और साथ में ये वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, ये वाले आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं बुक है तो इसको आप उतार सकते हो। ये मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम इसे करते हैं, इसको पॉज कीजिए, यहाँ पे ही रोक के इसे नोट डाउन कर लीजिए जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हम पार्ट करेंगे के। ठीक है जी, के पार्ट है 3 5 8 1 3 मल्टीप्लाई 4 3/8। ठीक है, ये हमारा पार्ट है, और ये आप जानते हो कि एक मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम 813 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 2439। उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 2444/813 मल्टीप्लाई। अब फिर इसको करेंगे 8 4 32 32 + 3 35। ठीक है, 8 ये नीचे आएगा इसके 8। अब ये कटिंग करनी है, इसको कटिंग करने के लिए हमारे पास ये तो 101% श्योर है कि ये नंबर जो है वो 5 के टेबल पे जाएगा। 5 + 3 8 होते हैं, 3 के टेबल पे ये नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 के टेबल पे इसकी कटिंग नहीं होगी। तो ये 2444 इसको देखते हैं, 8 के टेबल पे इसकी कटिंग हो जाती है, नहीं 8 के टेबल पे इसकी कटिंग नहीं होती, 4 के टेबल पे इसकी कटिंग हो जाती है, 4 के टेबल पे ये कटिंग हो जाएगी। 611 इसको 4 पे कटिंग करके ये आएगा, 4 2 8 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये बेटे 3 के टेबल पे कटिंग हो जाती है, मगर 6 + 1 + 1 ये 8 होते हैं, 8 होने के कारण ये 3 पे नहीं कटिंग होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको और कटिंग पॉसिबल नहीं है, और कटिंग इसकी पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, 611 को बेटे 35 से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा बड़ी बड़ी सी रकम बन जाएगी 21385। नीचे वाले को बेटे नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 813 × 2। ठीक है, ये बनेगा 1626। ठीक है, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी, और इसको हम क्वेश्चन देखिए तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसलिए आंसर भी इसका मिक्स्ड में ही आना चाहिए। मिक्स में आएगा तो अच्छी बात है, अगर मिक्स में नहीं आएगा तो फिर एग्जामिनर आपके नंबर काट सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन भी मिक्स में कर सकते हो, मगर कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि उसको करना ही है, उसके नंबर नहीं कटेंगे, इसके कट सकते हैं। ठीक है, इसको आप ये नंबर देखिए और इसको डिवाइड कीजिए, ऐसे लॉन्ग डिवीजन से इसे डिवाइड करना है, ऐसे 21385 को बेटे 1626 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, पहले 1 पे जाएगा, 1626 62 आएगा, 1 आएगा, 11 में से 6 बेटे 5 आएगा, पर वाला 5 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे ये 4 से या 5 पे जाएगा, 4 पे, पहले 4 पे चेक करेंगे फिर 5 पे चेक करेंगे, किस पे ये हो जाता है उसको हम, आपको पता है डिवाइड करने का रूल आपको आता है। ठीक है, ये हम 4 पे चेक करेंगे तो 5 पे भी चेक करेंगे, जैसे 1626 को 4 पे चेक किया, 6 4 24 10 25 और ये बन गया 6, ये से बड़ा हो गया, नहीं ये बिल्कुल गलत हो गया, ये बात 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 पे जाएगा ये, फिर 6 3 18। ठीक है, 3 2 6 7, 6 3 18, 3 1 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है 15 में से 8 7 एंड
फोर और बनेगा थ्री। ठीक है, तो ये हमारे इसका रिमाइंडर हो गया। लिखना कैसे होता है, ऐसे ही आप लिखते हो, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर 1626, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेंथी का मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं, हो जाएगा, मगर लेंथी है थोड़ा सा, इसको देख कर करना है, आपने समझ के करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये था के पार्ट, अब हम एल पार्ट करेंगे। 2 1/19 9 1/2 2 1/19 9 1/2, इसको करेंगे आई पार्ट। 2 1/19 9 1/2, ठीक है जी। 19 2 तो 38, 39 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कट जाएंगे, 39/2 आएगा, डिवाइड होगा, 2 के साथ 1 आएगा, 2 आएगा, मैंने अब ऊपर लगा दिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ 18 आएगा, 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 आ गया। पहले हम 19 लिखेंगे ऐसे, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये आंसर हमारा रेडी है। ठीक है, ये आई पार्ट का हमारा आंसर है। आप चाहो तो बुक के पीछे चेक कर सकते हो, ठीक है, आई लिख रहा हूँ आपका, एल पार्ट है ये, ठीक है जी। अभी एम पार्ट है आपके बुक के ऊपर, एम पार्ट आपने उतार लिया होगा मेरे ख्याल से, ये एम पार्ट। 3 15 18 15 7, ठीक है, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 18 3 54, ठीक है, 54 प्लस 15, ठीक है, तो ये आएगा 69, ये आ गया हमारे पास 69/18 15/7, तो ठीक है, तो ये 3 के टेबल पे बेटे 3 5 15, तो 3 6 18, अब ये भी 3 के टेबल पे 3 2 6 एंड 3 2 6 3 3 9, ठीक है। 23 एक ऐसा नंबर होता है जो किसी के साथ कटिंग नहीं होती, अगर उसके उसका टेबल है तो ही कटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 7 भी ऐसा ही है, अगर 7 का टेबल है तो कटिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो इसको 7 1 7 7 2 24 हो जाता है, ठीक है, 7 3 21 होता है, ठीक है, ये कटिंग नहीं होगी, तो इसको आएगा 23 × 5, ये ऊपर आ जाएगा 115, नीचे आएगा 7 2 14, ठीक है, 7 की कटिंग नहीं हुई, मेरे से ये गलती से लिखो गया, 7 की कटिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो ये 115 14 आएगा, तो ये वाला नंबर जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था, इसके इसको हमें सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन जो है मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं भी लिख सकते हो, कोई इसके बड़ी बात नहीं है, कोई गलत नहीं हो सकता है इसको, ठीक है। 4 8/9 1 4/10, ठीक है, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लेके आना है, ठीक है, तो इसको करते हैं 9 4 36, 36 + 8 44, 9 10 1 10 14 10, ठीक है, तो अभी इसकी कटिंग हो जाएगी, तो इसको कटिंग करनी है, ये 2 के टेबल पे 22 आएगा, ये 5 आ जाएगा, और इसमें कटिंग नहीं होती है, ठीक है, 3 के टेबल पे बेटे 14 नहीं आते हैं, 5 के टेबल पे 14 नहीं आते, तो ये और कटिंग इसकी नहीं होगी, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 को बेटे मल्टीप्लाई करोगे 14 के साथ, तो ये आएगा 308, 9 को करेंगे 5 के साथ 45, अब डिवाइड करोगे ऐसे
ठीक है, ये आपका फेयर काम होता है, ये आपने बड़े पेशेंट के साथ इसको ऐसे ही करना है। 308 को बेटे 45 के साथ, ठीक है, पहले वाला बड़ा हो जाता है, तो 45 को बेटे 2 से करते हो तो 90 आता है, 3 से करोगे तो 135 आएगा, 4 से करोगे तो 180 आएगा, 5 से करोगे 225 आएगा, 6 के करो 270 आता है, 7 पे करते हो 315 हो जाए, इसलिए 7 वाला बड़ा हो जाता है, तो 6 के साथ आएगा ये, 6 के साथ करोगे तो 270 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 10 में से 7 3 आएगा, ठीक है जी। तो ऐसे लिखते हैं इसे, नीचे वाला ऊपर और ये 45, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़े थोड़े लेंथी हैं ये क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन लेंथी है, मैं कर रहा हूँ, आपको आसान लग रहा होगा मेरे ख्याल से, आप करोगे तो फिर पता चलेगा ये कितना आसान है कितना मुश्किल है, इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ओ पार्ट करते हैं, ओ पार्ट करते हैं, 5/9, यहाँ पे लिखा है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये आपने याद रखना है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई साइन में ऐसे चेंज कर देना है, ऐसे और कुछ नहीं है ये, बाकी बहुत आसान है। 5 5 द 5 5 द 25, ठीक है, 9 1 द 9, 9 2 द 18, 2 1.5, ये आंसर आ गया, ठीक है। ओ अब एक लास्ट हमारा पार्ट बचा है, और दो तीन पार्ट हमारे सेकंड क्वेश्चन के, तीनों ही हमने कर देने हैं, ठीक है। पी पार्ट हम करेंगे, ये है 9/34 ऑफ 51/27, इसको हम करेंगे 34 ऑफ को मल्टीप्लाई 51/27 3, ठीक है, तो 17 के टेबल पे ये दोनों आते हैं ऐसे, ठीक है, 3 1 द 3, 3 1 द 3, ये कटिंग हो गई, 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा पी पार्ट था, ठीक है। तो ये हमने इस पार्ट के इसके सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, ये देखिए सेकंड पार्ट है आपको, ये राइट द फ्रिक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट बेटे 2 है, यहाँ पे आपने 2 लिखना है, ठीक है, इसकी फ्रिक्शन बनानी है, और अब आगे आपने अनशेडेड नहीं लिखने, आगे आपने टोटल लिखने है, क्या लिखना है, टोटल, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कितने हैं, 7, तो आंसर क्या आएगा, 2/7, तो ये देखते हैं ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो कितना बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे बना, तो ये देख लेने, काउंट करने हैं ये कितने हैं, 7 21 है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 द 35, टोटल है हमारे पास, आप काउंट कर सकते हो इसे, ठीक है, टोटल है 35, इक्वल इक्वल ये सारे देखने हैं अब कितने हैं, ठीक है, इसमें कोई शेडेड है ही नहीं, ठीक है, तो शेडेड नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हमने शेडेड करना है, एक ही पार्ट है इसका, एक ही क्वेश्चन था, ये हमने शेडेड करना है, ये क्या है, इसको कटिंग हुई 7 1 द 7, 7 3 द 21, ठीक है, और नीचे 35 ही रहने चाहिए, बिकॉज ये सारे डब्बे कितने हैं टोटल, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे टोटल काउंट करोगे ये 35 है, नीचे तो 101% 35 ही चाहिए, ठीक है, ऊपर 3 2 द 6, ऊपर वाला बन गया 6, ऑटोमेटिकली 6 बन गया ये, 1 2 3 4 5 6, किसी तरफ को भी आप 6 जो डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, किसी तरफ भी आप इसको 6 जो है बॉक्सेस उनको शेड कर सकते हैं ऐसे, 6 बॉक्सेस जो हैं ऐसे, मैं रेड से कर देता हूँ आपको ऐसे, ये देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आप पेंसिल से कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 4 5 6, ठीक है जी, ये आपने 6 जो बॉक्सेस हैं उनको शेडेड करना है, ये हमारा आंसर था, ये इससे साथ ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट 5D एक्सरसाइज के साथ हम नए लेक्चर में मिलेंगे,
यहाँ तक का काम आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।